हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बंधन बैंक और मिष्ठान फूड के क्वार्टर रिजल्ट्स हमारे सामने। जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, उसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट सितंबर 2022 का भी रिजल्ट हमारे सामने है दोनों का, और पिछले साल दिसंबर 2021 में इनके क्या क्वार्टर रिजल्ट्स रहे वो भी हमारे सामने है, और हम आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि करंट पोजिशन में जो भी रिजल्ट आए वो क्या शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बंधन बैंक की अगर बात करें तो सेल्स इम्प्रूवमेंट पे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही डाउनफॉल पे, प्रीवियस क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर सेम ईयर के जो भी क्वार्टर है उससे भी। यही बात करते हैं मिष्ठान फूड की, तो मात्र शेयर 10 रुपये का है, मार्केट कैप 1044 करोड़ का है, और फ्रेंड्स इसका देखिए सेल्स भी इम्प्रूवमेंट पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्प्रूवमेंट पे है, नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूवमेंट पे, और EPS भी इम्प्रूवमेंट पे, चारों चीज़ इम्प्रूवमेंट पे। आप चाहे देख सकते हैं दिसंबर 2022 में सेल्स 164 और प्रीवियस क्वार्टर में 160 और पिछले साल क्वार्टर में 148। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 23 करोड़, लेकिन पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ और दिसंबर 2021 में 13 करोड़, लेकिन अभी करंट क्वार्टर में जिसके हम बात करें 23 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 14 करोड़, पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ और पिछले साल इसी दिसंबर 2021 में 8 करोड़। EPS भी देख लीजिए 0.14 इम्प्रूवमेंट पे, पहले 0.11 और 0.8। तो फ्रेंड्स, जो भी रिजल्ट है हमारे सामने है, बंधन बैंक के रिजल्ट डाउनफॉल पे, मिष्ठान फूड के रिजल्ट अपवर्ड लेवल्स पे। बन रही मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू सब्सक्राइबर है, रिजल्ट जानते रहिए। ओल्ड सब्सक्राइबर अगर है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लग रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।